पठानकोट में लीची का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जाता है। बड़े पैमाने पर लीची उगाई जाती है और देश के कई हिस्सों में भेजी जाती है। इसके अलावा विदेशों में भी पठानकोट की लीची सप्लाई की जाती है। पठानकोट में तीन तरह की लीची को उगाया जाता है। इसमें देहरादूनी, कलकत्ती और सिडलेस लीची की तीनों किस्में भरपूर मात्रा में होती है। पठानकोट की लीची पंजाब के अलावा दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भेजी जाती है। पठानकोट का 4000 हेक्टेयर रकबे में लीची उगाई जाती है। देश के साथ साथ विदेशों में भी पठानकोट की लीची की बड़ी ज़्यादा डिमांड है। जून महीने में लीची को तोड़ने का काम शुरू हो जाता है। इस महीने में जब लीची पक जाती है तो तापमान 35 डिग्री के आसपास होना चाहिए, जबकि इस बार तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिस कारण लीची की फसल प्रभावित हुई है। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पठानकोट में लीची एस्टेट भी बनाया गया है, जिसमें लीची उगाने वाले किसानों को नई तकनीक से अवगत करवाया जाता है। इस बार गर्मी ज़्यादा बढ़ने की वजह से लीची की फसल प्रभावित हुई है। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अधिकारी भी मानते हैं कि इस बार ज़्यादा गर्मी पड़ने से बाकी फसल के साथ साथ लीची को भी नुकसान पहुंच रहा है। लकी सरोज, केआरटी न्यूज़, पठानकोट। लीची का कारोबार, लीची जड़ी है पठानकोट की, कितने कितने थोड़े वालों भेजी जाती है और मेरा नाम गुरदास मल है जी। मैं पठानकोट का रहने वाला। मैं तकरीबन 50-55 साल होया मैं ये बागों का काम करद। तो लीची जड़ी है अंबरसर, जम्मू, लुधियाना, मतलब फरीदकोट, दिल्ली वगैरह जहाँ भी मिले उतने जाइना और बेची दी है। हाँ जी, बाकी लीची का बाग जड़ा है ये जदों असं लैने तो जिमीदार अद्धे पैसे देने पै जाते हैं। अद्धे पैसे जिमीदार हाथ लाने तो पहले मंगता है। तो फसल बहुत बर्बाद हो गई है। ये इतना लालच होया कि जिमीदार भी साड़ी कितनी मदद कर रहा फिर भी साड़ी पूरी नहीं हो सकती। किन्ने तरह की लीची जी है? लीची तीन तरह की होंगी है जी, कलकत्ती, देहरादून, डीलैक्स। हाँ जी, तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट होंगे थोड़े बाकी सारी स्टेट्स के नाल और फॉरन भी भेज दो लीची? नहीं जी, मैं फॉरन कभी नहीं भेजी जी। अभी तो पठानकोट इन्होंने मंडिया च भेजी है, बाहर जिन्हें भी अमृतसर, लुधियाना वगैरह, फगवाड़ा, इधर जलंधर, दिल्ली, इधर इधर भेजी है। एक तो उधर भी खराटी खराब होने कारण कितने भी नहीं भेजते। पठानकोट भेजने इतने 250 रुपये का 10 किलो लीची बिकती है। 250 रुपये जी के 130-140 रुपये की किलो बिकती है। वह 10 किलो जी है इस वे 240 रुपये की बेच के आया मैं कल। की कारण की रहा लीची खराब? लीची ने गर्मी ना लू पड़ी पड़ी है, लू ना लीची खराब हुई है। नहीं तो लीची कदे खराब नहीं होंगी, ना कदे हुई है। 50 साल मैनू भी काम करते अज तक लीची पहली बार देखी है खराब हुई, कभी लीची खराब नहीं होंगी। किन्नी लीची की पैदावार तुम हर साल करते हो और किस किस्म की लीची जी है उगाते हो और ये लीची कितने तक जाती है? असं सुने कि लीची थोड़ी एक्सपोर्ट भी होंगी। 60-70 किले लीची का बाग है जी। हाँ जी, ये जयपुर, हाँ जी, दिल्ली, अमृतसर, जम्मू, इतने जाती है। हाँ जी, इस बार लीची जी 20% हुई है, फसल घट हुई है। सरकार ही कुछ देना चाहिए इस बारे, कोई मदद करनी चाहिए जिमीदार की, क्योंकि साल की फसल है। देहरादून तो कलकत्ती दोनों असं लाने, दो ही वरायटियाँ मशहूर न डिस्ट्रिक्ट पठानकोट तर गुरदासपुर च। लीची मतलब ज़्यादा होंगी है पंजाब च, दोनों जिले ज़्यादा है, हुशियारपुर भी है पर इतने ज़्यादा है। हाँ जी, फसल इस बार घट है। लीची एस्टेट भी बनाया गया पठानकोट? हाँ जी हाँ जी, लीची की सहूलतें थोड़ा मिल रही? हाँ, उसे पूरी मिल रही हैं, काम ठीक कर रहे हैं अफसर, वधिया काम कर रहे हैं। हाँ जी, उद लीची की की होर पैदावार वास्ते दसया जाता है, की जानकारियाँ दी जा? हाँ जी, समय समय पर सब कुछ दसते हैं जी। जतेंद्र हो रही ने इतों के अफसर, वो तकरीबन मेरे ख्याल जिन्हें बागों वाले ने सारे मिलते हैं, दसते हैं, वधिया बंदे ने, मतलब वधिया काम कर रहे हैं, जंग न दौड़ भज पूरी करते हैं। हाँ जी, तो फसल घट होने का कारण की है? सॉरी, दस फसल गर्मी ज़्यादा कारण, क्योंकि टैंपरेचर इन चाहिए 40 तो थले, इसलिए टैंपरेचर 45-44 ते 38-40 दे विच लीची जिहड़ी है ठीक रहिंदी है। फसल भी वैसे घट है, लीची फट गई है, दूजी फट गई है ज़्यादा, टैंपरेचर ज़्यादा होने। हाँ जी, टैंपरेचर ज़्यादा होने के कारण मतलब लू टाइप गर्मी ज़्यादा है। जिला पठानकोट में कणक, झोना, मक्की की फसल तो बाद जी
ਬਾਗਾਂ ਥੱਲੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੀਚੀ ਥੱਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆ, ਯੂਪੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਲੀਚੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਚੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੀਚੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਲੀਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ 20-25% ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਠੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਫਸਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜੇ ਬੀਜ ਪਿਆ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਿਆਰੀਪਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਮਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਚੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਚੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਚੀ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਾਲਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।